नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। खैर हूँ विटीना। फ्रेंड्स, हमारे पास ढेरों शादी के कार्ड आते हैं और फिर इनका क्या रीयूज़ करें, हम यहाँ वहाँ कर देते हैं। जी नहीं, इन शादी के कार्ड से आप बहुत ऐसी घर को सजाने की वस्तुएं तैयार कर सकते हैं। साथ में इन शादी के कार्ड को आप लंबे समय तक संभाल के रखते हैं, तो जिनकी शादी होती है उनको भी आप बार बार याद करते हैं और उनके साथ उन्होंने जब ये कार्ड बनाया होता है बड़े चाव से प्रेम से बना के हम भेजा होता है और आप इसका बहुत अच्छा रीयूज़ करते हैं। कभी वो भी हमारे घर पे आकर हमारे प्रोजेक्ट देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है। तो आप भी इस तरह से शादी के कार्ड का फिर से कुछ नए अंदाज में रीयूज़ ज़रूर से कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये है मेरे ड्राइंग रूम का एरिया और रेंट के घर का होने के कारण मैं इसमें कुछ कील के कुछ और लगा नहीं सकती। तो मैंने क्या किया है, एक इस तरह से शादी के कार्ड को लिया है और पीछे मैंने डबल टेप का यूज़ किया है और इस भाग को मैं इस तरह से छिपा रही हूँ क्योंकि और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है और मैं ना ही यहाँ पर कोई दूसरे DIY कर सकती हूँ। पहले तो मैंने शादी के कार्ड को कुछ इस तरह से यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर दो और छेद दिए हुए हैं, शायद ये वॉश बेसिन का एरिया है और उसी के बाद में इन्होंने इसमें से कट कर लिया था। तो यहाँ पर तो मैंने फ्लावर लगा दिए और दूसरा जो एरिया है आगे का, वहाँ पर मेरे पास एक वुडन का बॉक्स था तो मैं इस तरह से शादी के कार्ड की कटिंग कर रही हूँ और इसे इस वुडन कार्ड के ऊपर लगाऊंगी। इस तरह वुडन कार्ड के ऊपर मैं इसे जब लगा लेंगी उसके बाद मैंने इसके ऊपर फेविकोल लगाया जिससे ये काफ़ी मजबूत हो जाए। मैंने कभी इस तरह से पहले फेविकोल नहीं लगाया था और फर्स्ट टाइम ही मैंने इस तरह से लगा लेने के बाद इसके ऊपर फेविकोल लगाया। लेकिन जब मैंने फेविकोल लगाया तो क्या हुआ, ये जो मेरा सारा फिनिशिंग था वो बिल्कुल भी डल हो गया और बिल्कुल ही ये आप देख सकते हैं बिल्कुल डल हो जाता है। तो अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से मेरे पास स्टोन थे तो इसे मैंने कॉर्नर पर लगा दिया। जब ये फेविकोल गीला था तभी मैंने लगा दिया और फिर कुछ बीच में मैंने इस तरह की इसमें कुछ डिजाइन कुछ मोती से इसे डेकोरेट किया और 3D आउटलाइनर से इसे लगाकर कंप्लीट किया क्योंकि ये बिल्कुल भी इसमें डिजाइन विजिबल नहीं हो रही थी तो कुछ इसे हाईलाइट करना ज़रूरी था। तो मैंने कुछ इस तरह से इसे हाईलाइट किया और देखिए लास्ट में ये कैसा लग रहा है। और फिर कुछ मैंने इस पर जो मिलती है बाज़ार में ये 5 रुपीज़ की बोतल है उसी को मैंने इसमें ऊपर से इसके ऊपर छिड़क दिया जिससे ये बहुत सुंदर सा इसका लुक लगे और हमारा एक बहुत ही अच्छा सा वुडन बॉक्स तैयार हो गया है। अब मैं इस वुडन बॉक्स को कहाँ लगाऊंगी वो आप देख लीजिए। यह मैंने साइकिल अभी ख़रीदी थी, ऋषिकेश गई थी तब, तो बहुत ही अच्छी मुझे ये 200 रुपीज़ में साइकिल मिल गई थी और ये हमारे जो इस तरह के प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं हमारे घर पे उसी के ऊपर मैंने कुछ कपड़े से और कुछ इसे लेसिस से डेकोरेट करके इसमें मैंने अपनी सारी की को रखा है और ये जो बीच में आप देख सकते हैं ना होल है वहाँ पर मैंने इस टेपी को अरेंज किया है। इस नॉन स्टिक पर मेरी बेटी ने मंडाला आर्ट किया है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए बिल्कुल सिंपल लेकिन कितना प्यारा सा हमारा ये कॉर्नर तैयार हो गया। हमने सारे होल को भी छुपा दिया और बहुत अलग तरह से हमने अपने घर को डेकोरेट कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट। और जब भी हम जाएंगे तो साथ में इस वुडन बॉक्स को भी ले जा सकते हैं और हमने कहीं पर भी कील नहीं लगाई है, कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस का या तो सीमेंट वर्क भी नहीं किया है और घर को कुछ भी इसको हार्मफुल भी नहीं किया है और बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है और इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और अब चलते हैं हमारे तीसरे आइडिया में। हमारे सबके पास इस तरह की छोटी बड़ी बर्नियाँ होती है और शादी के कार्ड हम सबके पास होते हैं। आपको क्या करना है, इन शादी के कार्ड को लेना है और इसे आपको मिडल से कट कर लेना है और मिडल से कट कर लेने के बाद आपको इसे फिर से एक बार फोल्ड करना है और ये बहुत ही अच्छे से आप इस तरह से टी लाइट होल्डर घर पे तैयार कर सकते हैं। अब हमने जो कटिंग किया है उसे हमें एक बार फिर से बीच में से मोड़ना है और मोड़ने के बाद जिस बाजू से हमने इसे फोल्ड किया है ना उस साइड से हमें कट लगाना है। लेकिन कट लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ऊपर 1/2 इंच तक आपको छोड़ देना है, तो 1/2 इंच ऊपर से छोड़कर आपको इस तरह नीचे से कट लगाना है और नज़दीक नज़दीक आप कट लगाते चाहिए और इस तरह से आप बहुत ही अच्छा सा बिल्कुल मिनटों में टी लाइट होल्डर बिल्कुल जीरो कॉस्ट तैयार कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, हमारी जो भी बननी है इसके चारों साइड आपको इसे लगाकर फेविकोल से बस ऊपर की साइड थोड़ा थोड़ा सा ही हमें फेविकोल लगाना है और आपको इसे इस तरह से अरेंज कर देना है। और देखिए कितना प्यारा सा हमारा जीरो कॉस्ट इस तरह से हम अलग अलग डिजाइन के पैटर्न के शादी के कार्ड से तैयार कर सकते हैं टी लाइट होल्डर और दिखने में भी ये बहुत ही प्यारे लगते हैं।
जी हाँ, बहुत ही जीरो कॉस्ट हम इस तरह से अलग अलग तरह के टी लाइट होल्डर तैयार कर सकते हैं। अगर आप रेंट के घर में रह रहे हैं तब तो ये बहुत ही आशीर्वाद रूप है। अब चलते हैं एक और आइडिया में। हम सबके पास जब इस तरह के शादी के कार्ड आते हैं कुछ इस तरह के कटिंग वाले, तो आप इसका बिल्कुल जीरो कॉस्ट फ्री में ही स्टेंसिल्स घर पे तैयार कर सकते हैं, है ना। बहुत ही जुगाड़ू लेकिन बड़े ही काम का ये आइडिया। मैंने अपने किचन में हैंगिंग प्लांट में इस तरह इस बोतल का सिजवान बोतल का यूज़ कर रही थी जो पुरानी हो गई थी, तो मैंने इसका मेकओवर कुछ शादी के कार्ड को इस तरह लगा के नीचे लेस लगा के कर लिया है। और देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये हैंगिंग प्लांटर होल्डर लग रहा है। देखा फ्रेंड कितना इजी है इन सब चीज़ों को बार बार रीयूज़ करना। तो पर्यावरण की तो हम रक्षा करते हैं, ये साथ में कुछ नया करने का आनंद मिलता है। तो जुड़े रहिएगा मेरी इस चैनल के साथ। अगर आप चैनल में नए हैं तो बेल बटन दबाकर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं कुछ ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।